आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार की शासनकाल में विकास की गंगा बही, वहीं दूसरी तरफ कोचरा के ऐसे भी हैं जहाँ विकास कोसों दूर है। जी हाँ, 10 वर्षों से एक पुल का कार अधर लटका हुआ है, जबकि बरसात के मौसम में यह इलाका पानियों से लबालब भरा रहता है। आम लोगों को यात्रा करना मुसीबत बन जाता है और लोग सरकार को कोसते हैं, जबकि संवेदक की लापरवाही के कारण यह पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। मधुबनी जिले के बेलोपट्टी अनुमंडल कार्यालय से 1 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित मलगा मोड़ के पास है, जो कि आज 10 वर्षों से अपनी किस्मत के आंसू रो रही है। जबकि इस रास्ते से बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस रास्ते से गुजर चुके हैं, और तो और आला अधिकारी का भी रोज आना जाना लगा रहता है, फिर भी आज तक किसी भी शासन प्रशासन की पहली नजर नहीं पड़ी, जिससे इस पुल का अधूरा निर्माण कार्य पूरा हो सके। 10 लाख की घनी आबादी वाला यह क्षेत्र इस पुल के निर्माण के लिए टकटकी लगाए हुए है, जिससे यह पुल का निर्माण कार्य हो जाए। जिले की मानी जानी उच्छेट भगवती स्थान भी है, और इसी रास्ते से आम लोगों का सगे ताला अधिकारी भी अपना मस्तक टेकने जाते हैं, फिर भी इस अर्ध निर्मित पुल पर किसी की पैनी नजर नहीं जाती है। जब ईटीवी भारत के कैमरे की नजर पड़ी, अर्ध निर्मित पुल का खुलासा हुआ। अब देखना यह होगा कि मीडिया में खबर आने के बाद शासन प्रशासन की इस पुल के लिए कुंभकर्णी निद्रा टूटती है या नहीं। मधुबनी से एक कुमार की रिपोर्ट। बताइए क्या क्या है, कौन सा पुल है ये, क्या स्थिति है इस पुल का? ये मलहम का बीच वाला पुल बनता है, ये सलाबों में बहुत 10 साल से करीब सलाब आता है, तो इसमें नाव चलता है, इसमें बहुत सारा लोग डूबने का भी संभावना होता है, यातायात ठप हो जाता है, कट जाता है मुख्यालय से पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर ब्लॉक का भी रास्ता है, इसमें दो ब्लॉक। तो मैंने कितने आबादी होगी जो इस रास्ते से आता जाता हो? 10 लाख। 10 लाख की आबादी? 10 लाख। तो ऐसी स्थिति में क्यों है सर? ऐसे स्थिति में तो ऐसे ही कुछ नहीं, आबादी पर ध्यान नहीं दे रहा है, पथ निर्माण पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है।